फोरजी स्कूल ब्रिज कोर्स जमात हफ्तों मजमून तारीख व शहरियत समाजी उलूम। हवाला छठी जमात आमोजिशी महासिल। नंबर एक, ज़िले इंतज़ामिया से मालूमात हासिल करें। नंबर दो, वाज़े करें कि अवामी मसाइल के हल में सबकी शिरकत ज़रूरी है। आगे मालूमात का यादा करें। जमहूरी हुकूमत की खसूसियत की वजाहत करता है, यानी इस सरगर्मी को करने के बाद तालिबे इल्म में जमहूरी हुकूमत किसे कहते हैं और उसकी क्या खसूसियत है, ये बयान करने की सलाहियत आ जानी चाहिए। आइए गौर करें, ज़िला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के काम क्या हैं? जवाब, ज़िला परिषद के फैसलों को अमली जामा पहनाने की जिम्मेदारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की होती है। नंबर दो, नगर परिषद के चीफ ऑफिसर का क्या काम है? ग्राम पंचायत ग्राम सेवक के काम क्या हैं? जवाब, नगर परिषद के तमाम कामकाज की निगरानी चीफ ऑफिसर करता है, ग्राम पंचायत के काम। नंबर एक, गाँव की तरक्की के काम करना। नंबर दो, पानी बिजली ज़रूरी सहूलतों की फराहमी करना। नंबर तीन, पैदाइश मौत शादी ब्याह के इंदराजात करना। ग्राम सेवक के काम, ग्राम पंचायत के रोज़मर्रा के कामकाज की निगरानी करना। नंबर दो, गांव के लोगों को तरक्याती मंसूबा वगैरह की मालूमात देना। आइए गौर करें, एमरजेंसी लॉकआउट की सूरत हाल में लॉकडाउन को नाफिज करने के लिए किन अफसरान और अमले को काम करते देखा गया? जवाब, एमरजेंसी की सूरत में देही और शहरी इंतजामिया के तमाम अहदेदारान और अफसरान को काम करते देखा गया है। सवाल नंबर दो, ज़िले इंतजामिया का सरबरा कौन है? जवाब, ज़िले इंतजामिया का सरबरा हाकिम ज़िला कलेक्टर होता है। आइए अमल करें, हंगामी सूरत हाल में अपने ज़िला के कलेक्टर की तरफ से जारी करदा पाबंदी का मुताला करें। कोरोना के दौर में आपके ज़िला के कलेक्टर ने जो भी आपके लिए पाबंदियाँ आयद की थी, आप उनके बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं। सवाल नंबर दो, इंटरनेट की मदद से ज़िला कलेक्टर की तकरीरी और फ़राइज़ के बारे में मालूमात हासिल करके दर्ज ज़ेल जदवल को मुकम्मल करें। हाकिम ज़िला यानी कलेक्टर यहाँ पर कुछ फ़राइज़ दिए हुए हैं उनके, जैसे कि ज़िरात में होगा ज़िरात से मुतालिक क़वानीन पर अमल करना, खहत और चारे की खिल्लत से बचने की तदाबीर करना। क़ानून और हुस्न इंतज़ाम में होगा समाजी सेहत को बरकरार रखना, इजलास पर पाबंदी लगाना, कर्फ्यू नाफिस करना। इंतखाबी अफसरान के ताल्लुक से होगा कि इंतखाब के ज़िमन में ज़रूरी फ़ैसले करना, राय दहंदगान की फहरिस्त को असरन और तरतीब देना। कुदरती आफात का हुस्न इंतज़ाम में आफात के इंतज़ामी अमले को अहकाम देना, मुसीबत जदगान को दोबारा आबाद करना। सवाल नंबर तीन, कोरोना एमरजेंसी लॉकडाउन के दौरान आपके ज़िले में कौन सी पाबंदियाँ लागू होती हैं? मिसाल के तौर पर यहाँ पर दिया हुआ है मेडिकल दिन में 24 घंटे शुरू थे। आप इसके अलावा भी कुछ जवाब लिख सकते हैं, जैसे कि सरकारी दवाखाने इतवार को भी खुले थे, स्कूल कॉलेज मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए थे। सरगर्मी नंबर तीन, खहत के दौरान इंतजामी अफसरान के क्या जिम्मेदारियां हैं? नंबर एक, हाकिम ज़िला, ज़िला में चारे की खिलत से बचना, तहसीलदार ताल्लुक़े में गजाई अशिया फराहम करना, ज़िला का आला पुलिस अफसर ज़िला में अमन अमान कायम रखना, नगर परिषद का अफसर आला छोटे शहरों में गजाई ज़रूरियात पूरी करना। सरगर्मी नंबर पाँच, आप इनमें से किस अहदे को अपनाना चाहते हैं और क्यों? आप जिस भी अहदे को अपनाना चाहते हैं उसकी तरफ आपको सही का निशान लगाना है और उसकी वजह आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि हमने यहाँ पर हाकिम ज़िला यानी कलेक्टर पर टिक किया है, और क्यों? क्योंकि उसका वो ज़िला का सरबरा होता है। तहसीलदार अगर आप टिक करते हैं तो वो ताल्लुक़े का सरबरा होता है। ज़िला का आला पुलिस अफसर अगर आप टिक करते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा कि वो ज़िला का आला पुलिस ऑफिसर होता है, इसीलिए आप वो बनना चाहते हैं। जांच के सवालात, आफात के दौरान आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं? आफात के दौरान हमारी जिम्मेदारी है कि हम समझदारी से काम लें और हुकूमत की इमदाद को लोगों तक पहुंचाएं। सवाल नंबर दो, तहसीलदार की जिम्मेदारी क्या है? ताल्लुक़े में अमन अमान कायम रखने की जिम्मेदारी तहसीलदार की होती है। आफात की फहरिस्त तैयार करें। सैलाब, आग, गर्दबादी तूफान, बादलों का फटना, ओलाबारी, जलजला, ज़मीन का धंसना, बंद टूटना, बम धमाका, वबाई अमराज, फसादात वगैरह। आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा है ज़िला इंतज़ामिया, कलेक्टर का काम,
जिला का आला पुलिस के फराइज, तहसीलदार की जिम्मेदारियां। हमारे चैनल 4G स्कूल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करेंगे तभी हमारे तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें।